हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों की ऐसी पढ़ाई रुकी हुई है जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वैकेंसी ना आने के कारण उन्हें थोड़ा डीमोटिवेशन मिल रहा है। तो आज आपके लिए पूरी बात करूंगा मैं, कंपनी का टेंडर हुआ है नहीं हुआ है, कितनी वैकेंसी आई है, पूरी डिटेल में इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे वैकेंसी के बारे में क्या चीज़ें। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो है कब तक आएगी, सबसे बड़ा सवाल बच्चों का यही रहता है कि कब तक आएगी, कब उसके फॉर्म जो हैं आपके आ जाएंगे। कुल कितने पद हैं ये भी आपको बता दूंगा मैं, 52,000+ आपके पद हैं। कंपनी टेंडर का क्या हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। बच्चे हर बार यही कमेंट करते हैं, सर कंपनी का टेंडर का क्या हुआ, पूरा हुआ है टेंडर या नहीं हुआ है, कोई इच्छुक कंपनी आई है या नहीं आई है, क्या तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, बच्चे हर बार यही कमेंट करते हैं, क्या तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कमेंट आए, तो मैंने सोचा कि उस पर पूरी वीडियो यहाँ पे आपके लिए बना देनी चाहिए। चलिए गाइस देख लेते हैं। देखिए, आखिर अभी तक टेंडर क्यों नहीं आया। देखिए, टेंडर के आपको बता दी है मैंने, पहले भी बताया था टेंडर के बारे में, क्योंकि इच्छुक कंपनियाँ होती हैं जो है आपका भर्ती बोर्ड जो है कुछ कंपनियों के लिए टेंडर निकालता है कि कुछ इच्छुक कंपनियाँ जो इस वैकेंसी को पूरी तरीके से करा पाएँ वो कंपनियों को वो टेंडर देती है। अब उसमें से पहले जो हुआ था, पहली जो कंपनी थी उसने टेंडर पास कर लिया था, लेकिन जैसे ही भर्ती बोर्ड ने बताया कि हमें जो भर्ती में पूरी तरीके से पारदर्शिता चाहिए, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा, तो कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए और कंपनी ने कहा कि हमारे ये वैकेंसी नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मुन्ना भाई सक्रिय हैं और वो पेपर लीक कहीं ना कहीं से करा ही देते हैं, कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल लेते हैं जिससे उन्हें प्रॉब्लम आने वाली है, तो उस कंपनी ने टेंडर छोड़ दिया था। अभी तक कोई भी कंपनी कंफर्म नहीं हुई है टेंडर लेने के लिए। TCS को बता रहे थे, TCS ने भी उसका जो है टेंडर छोड़ दिया है। फिर टाटा आई, उसके बाद दो कंपनियां और आई हैं, लेकिन किसी ने भी टेंडर के लिए अप्लाई नहीं किया है। अब बात करते हैं कि जो भर्ती बोर्ड है, अब एक कंपनी है जो टेंडर लेना चाहती है, लेकिन भर्ती बोर्ड चाहता है कि कम से कम दो कंपनियां, वो लिख के देता है अपने नोटिस में कि कम से कम दो कंपनियां ऐसी होनी चाहिए जिसमें से हम चॉइस कर सकें कि हम इस कंपनी को देंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगी। तो अभी तक कोई भी कंपनी ऐसी नहीं आई है, इसीलिए छात्र जो है गुस्से में है, तो और छात्रों को लगता है कि वैकेंसी अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वैकेंसी कैसे होगी। तो अब ये जो नई जो बात चल रही है, अभी आपका जो है कंपनी टेंडर देने के लिए जो IBBS क्लर्क के एग्जाम होते हैं, तो वो कंपनी शायद आपका एग्जाम ले। आपने पता होगा IBBS के जितने भी एग्जाम होते हैं वो बहुत ही कम लीक होते हैं और नाम मात्र के लिए उनमें ऐसी कोई मुन्ना भाई सक्रिय नहीं होते हैं। तो फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि IBBS को इसका जो है टेंडर दे दिया जाए, वो अपने हिसाब से इस वैकेंसी को कराई जाए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा मुन्ना भाई जो है उस पेपर को लीक करा ही देते हैं बहुत सारे बच्चों की। अब बात कर लेते हैं सरकार की नाकामियां जो सरकार हमें बताती जा रही है। देखिए, 52,699 सिपाहियों की होगी भर्ती, ये हर बार दावा कर रहे हैं, और इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये पक्का है कि वैकेंसी आपकी आने वाली है। और हर बार जो है इन्होंने जब भी इनसे बात की गई है भर्ती बोर्ड की तरफ से, चाहे कहीं भी आपने बच्चों ने बात रखी है या न्यूज़ चैनल वालों ने बात रखी है, तो इन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई समाचार पत्र में, अखबार में कोई ना कोई कटिंग निकालने के बाद ये पारदर्शिता की है कि 2024 से पहले यानी चुनाव से पहले हम वैकेंसी जरूर निकालेंगे, ये कंफर्म इन्होंने कर दिया है। और ये बार बार इसी तरीके से ये देते जा रहे हैं कि यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद हमने बात की थी BJP जो उत्तर प्रदेश की ये है, तो यहाँ भी हमने बात की थी, यहाँ भी इन्होंने बताया था कि भाजपा सरकार जो प्रत्याशियों का जो माहौल है अब जो है बदलने वाला है और युवाओं को वो भविष्य में रोजगार देने वाले हैं। 35,757 पद पहले हुए थे, लेकिन अब बढ़ाकर आपको पता होगा 53,000 कर दिए हैं, 53,699 पद के लगभग कर दिए हैं, और 3,000 आरक्षित यानी कि सब इंस्पेक्टर के पद भी इन्होंने कर दिए हैं। तो यहाँ भी अगर इनसे पूछा जाता है तो यहाँ भी ये इसी चीज़ को बताते हैं, यानी कि इससे तो ये तो साफ होता है कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। यहाँ भी 52,699 भर्ती जो भर्ती प्रक्रिया की है, यहाँ भी इन्होंने बताया है जो सोल गैंग की जो है बेचने के लिए की जा सकती है, यानी कार्रवाई जो है नकली माफिया, पहले नकली माफियाओं को पकड़ा जाए, उन्हें थोड़ा रिलैक्स दिया जाए, उसके बाद ही वैकेंसी करने के मूड में है जो है भर्ती बोर्ड है। ये पक्का है कि कंफर्म आपकी वैकेंसी आनी ही आनी है। बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूजन में है कि वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। देखिए बच्चों, वैकेंसी तो आपकी पक्का कंफर्म है और आएगी, वो बस शर्त है कि आप कितनी तैयारी उसके लिए कर पाएंगे, कितनी रणनीति है आपकी उसको निकालने के लिए कि हम इस वैकेंसी को निकाल पाएं। अब बात करते हैं एज छूट में, बहुत सारे बच्चे एज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे कि एज भैया एज मिलेगी सर, एज मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए गाइज, ये तो मैं नहीं बता सकता, उत्तर प्रदेश पुलिस जब भी नोटिफिकेशन निकालेगी या भर्ती बोर्ड नोटिस निकालेगा उसमें क्या देगा, लेकिन मैं आपको हर जगह बताऊंगा। SSC GD में आपने देखा होगा जो केंद्र से भर्ती आती है CPF के द्वारा, उसने भी आपको छूट प्रोवाइड कराई थी,
एसएससी ने भी आपको छूट प्रोवाइड करा दी थी। आप अगर कोविड के टाइम से आपकी वैकेंसी रुकी हुई है तो छूट उसमें मिल गई थी 2-3 साल की। और अदर स्टेट की मैं बात करता हूँ तो सभी जगह छूट मिली है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये राजस्थान पुलिस का है जो नोटिफिकेशन है, इसमें पुलिस की भर्ती के लिए सामान्य के लिए आयु 27 साल की और आरक्षण वर्ग के लिए 5 साल की छूट कर दी है। लेकिन इन्होंने कोविड-19 की वजह से इसमें छूट प्रोवाइड करा दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड-19 2022 तक जो कोविड का जो प्रकोप रहा है उसके चलते इन्होंने यहाँ पे छूट दे दी है। और इसमें जो वैकेंसी जो पद हैं आप इसे भी भर सकते हैं, तो इसमें भी पद निकले हुए हैं आपके, तो छूट ये 3,578 जो है पद इसमें निकले हुए हैं हरियाणा में। तो पुलिस भर्ती में इन्होंने भी जो स्टेट में है इन्होंने भी छूट दी है। तो ये डेफिनेटली है गाइज, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश कुछ अलग करेगा, स्टेट है वो भी और ये भी स्टेट हैं। जब सभी स्टेट अपनी अपनी भर्ती में छूट दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आपको छूट मिलेगी, ये कन्फर्म है। लेकिन इसका पक्का कन्फर्म तभी हो पाएगा जब नोटिस आ जाएगा और बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, कुछ कोर्ट में जा रहे हैं, तो ये शायद शायद हो जाए, आपको छूट मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोविड से ही परेशान हैं और उन्हें वैकेंसी नहीं मिली है, तो शायद ही आपको छूट मिल जाए। मुझे लगता है छूट मिलेगी ही मिलेगी, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है जैसे अदर स्टेट को मैं देखता आ रहा हूँ जिसमें भी आपकी वैकेंसी आई है अदर स्टेट में आपको छूट मिली है, तो इसमें भी मिलनी चाहिए जहाँ तक मेरी मानना है। और गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा एक वैकेंसी निकलने के बाद दूसरी वैकेंसी का वेट बहुत ही कैड़ा हो जाता है, बहुत ही परेशानी का बहुत ही ऐसा दौर निकल के आता है जिससे आप गुजर पाएंगे। तो इसी में अपनी वैकेंसी आपको एक शोर करनी है, एक रोजगार इसी वक्त आपको लेना है, इसी वैकेंसी में लेना है, एक वैकेंसी आपके लिए, आपको एक ही वैकेंसी घेरनी है, ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तो अपनी तैयारी पर लगे रहिएगा गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।